गुड मॉर्निंग क्लास सर। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण, और इसमें हमने चैप्टर 1 अध्याय 1 में भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ा कि भाषा क्या होती है, व्याकरण और लिपि, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था इसमें, और इसमें कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बच्चों। भाषा, व्याकरण और लिपि की आपको परिभाषाएं बताई थी, और यहाँ पे देखिए आ जाइए पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आओ दोहराएं, तो इसको एक बार फिर से हम दोहराएंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव और या विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरे के मन के भावों को जान सकते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, एक तो लिखित भाषा होती है और दूसरी मौखिक भाषा। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर एक यहाँ पे हिंदी की लिपि देवनागरी है और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। अब हम एक्सरसाइज के अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले से मौखिक प्रश्न है, तो इन मौखिक प्रश्नों को हम अपनी कॉपी में करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, हम अपने मन के भावों और विचारों को किसके द्वारा प्रकट करते हैं? तो हम किसके द्वारा प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा, ठीक है ना। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे पे प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझते हैं। ख, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ग, देखिए इसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है? तो कौन कराता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। अब देखिए इसमें लिखित प्रश्नों में आ जाइए आप। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? तो अभी आपने ऊपर भी पढ़ा है कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और या तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे पे प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझते वो जानते हैं। ख, लिखित तथा मौखिक भाषा के दो दो उदाहरण। ये तो ये आपको खुद से करना है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क समझो, ठीक है ना। आपने कितना पढ़ा है देखते हैं। तो लिखित और मौखिक भाषा के दो दो उदाहरण आओ दोहराएं, इसमें भी इसको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको खुद से जो ख लिखित प्रश्न में जो ख है वो आपको खुद से करना है, और जो मौखिक प्रश्न में ग नंबर वाला है वो भी आपको खुद से करना है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो कौन कराता है? व्याकरण कराता है, ठीक है। और लिखित तथा मौखिक भाषा के दो दो उदाहरण आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो मैं अभी प्रश्न आपको बताए हैं, क का आंसर, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो दूसरे के मन के भावों को जान सकते हैं। फिर है ख, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसमें जो ग वाला है बच्चों ये आपको खुद से करना है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है। फिर देखिए भाषा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन और भाव के विचारों को दूसरे पर प्रकट करते हैं, अभी बताया था मैंने, और दूसरे के भावों को विचारों को समझते हैं। इसमें देखिए भाषा के दो भेद हैं, एक तो लिखित भाषा एक लिख के हम बता सकते हैं और दूसरी है मौखिक भाषा जो हम मौखिक रूप से बताते हैं, ठीक है ना। एक तो लिख के हम अपने मन के भाव विचारों को बताते हैं और एक हम ओरल मौखिक जो बताते हैं। तो इन प्रश्नों को आज आपने क्या करना है? अपनी कॉपी पे करना है, और जो मौखिक प्रश्नों में ग वाला है ये आपको खुद से करना है, और लिखित प्रश्न में जो ख वाला है ये भी आपको
खुद से करना है। तो पेज नंबर 4 है बच्चों आपका, ठीक है ना। पेपर आपके क्वेश्चन इसी में है, आप बुक से भी अपने क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको करने हैं, अभ्यास प्रश्न में मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, क ख ग, और लिखित प्रश्न में क ख।